हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक लेकर आया हूं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है और यहां से मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट रिकवर करे। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी आने वाले टाइम में अगर 8500 को ब्रेक करती है तो हमें फिर ये 9000 का लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो 8508 रुपये पर अभी ट्रेड कर रही है हमारा निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस। अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो हमें 9000 का लेवल देखने को आराम से मिल सकता है। तो अगर 9000 का लेवल अगर निफ्टी में हमें दिखाएगा अगर, तो उसमें जो लीडर हैं, जो टॉप 10 की कंपनियां हैं, अगर वो लोग परफॉर्म अच्छा करेंगी तभी निफ्टी 9000 जाएगी। ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छी कंपनी अगर मैं आप लोग को बताऊं तो TCS और रिलायंस है। तो ये लोग अगर अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करेंगे तो निफ्टी हमारी 9000 जाएगी। अगर निफ्टी हमारी 9000 तक जाती है तो ये सब स्टॉक भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म हमें यहाँ पर दिखा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रिलायंस का मैंने चार्ट खोल रखा है और रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है 1156 रुपये पे। और सुबह में मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था एक कॉल, अगर रिलायंस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि 1135 रुपये के आसपास है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड में हमें दिखा सकता है। तो जैसे इसने इसको ब्रेक किया जो इसका रेजिस्टेंस था 1135 रुपये के आसपास, तो वहाँ से फिर ये स्टॉक ने मूवमेंट काफ़ी अच्छी दिया और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने सुबह में ही बता दिया था, शायद 9:45 के आसपास में ही बता दिया। देखिए अभी रिलायंस ने 1160 रुपये का हाई बनाया है, तो यहाँ से लगभग 25-30 पॉइंट वो अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पर हमें दिखाया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा। अभी तक आप हमारे उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप भी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं कुछ फ्री इंट्राडे की कॉल वगैरह देता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं जिसमें मैं फ्री में कॉल देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में तो मैं आपको इंट्राडे की बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल प्लस रिलायंस और मारुति की कॉल बिल्कुल फ्री में देता हूं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आप रिलायंस के ऊपर कि रिलायंस का हमारा अगला टारगेट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 30 मिनट की कैंडल सेलेक्ट कर रखा है और ये रिलायंस एक रेंज में घूम रहा है जो कि मैं रेंज अगर आपको दिखाऊँ इसको चैनल बना करके, तो यहाँ से देखिए ये वाला चैनल हमारे सामने एक निकल कर आता है जो कि ये वाला प्राइस है। ठीक है, इस वाले प्राइस के अंदर काफ़ी दिन से ये घूम रहा है 1150 रुपये के ले करके और यहाँ तक 1010 रुपये के बीच में भी बहुत सारा घूम रहा था, लेकिन अगर इसको भी हम यहाँ तक भी ले सकते हैं तो हमारा 881 रुपये का आसपास हमारा प्राइस निकल कर आ रहा है। तो ये स्टॉक 880 रुपये के आसपास से 1155-50 रुपये के बीच में काफ़ी दिनों से घूम रहा है। लगभग यहाँ पर देखिए ये पूरा मार्च इसी में निकाल दिया इसने और अब अप्रैल महीने में स्टार्ट हो गया और पूरा मार्च एक महीने से ये स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है। अगर हम इसको और आगे भी लेते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से ये स्टॉक इसी रेंज के बीच में घूम रहा है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि हमारा अगला टारगेट कहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो अगर इसको ये ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देगा तो कल फिर से ये स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर मैंने एक पहले इससे पहले वीडियो बनाई थी कि उस प्राइस के ऊपर क्लोज करने के लिए मैंने बोला था कि अगर 1100 या 1200 रुपये के आसपास मैंने वो प्राइस दिया था, मुझे भी याद नहीं है, इसके ऊपर क्लोज करें तो ही आपको एंट्री लेना है, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, स्टॉक नीचे गिर गया, फिर से इसने अपना लो बना दिया जो कि 1000 रुपये के अंदर तक आ गया था ये स्टॉक। और फिर से देखिए आज ये स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, तो मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक आगे की तरफ जो जाएगा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगाकर दिखा दूं। ऐसे देख के बताने को मैं तुरंत बता दूं कि हाँ यार 1300 जाएगा, 1240 जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका जो फैक्ट है अगर उसको मैं डिटेल में बताऊंगा तो आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा और ये स्टॉक वहाँ तक क्यों जाएगा वो आप लोग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँगा जो कि इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पर 1151 रुपये के आसपास का। तो ऊपर का रेजिस्टेंस 1151 रुपये का और नीचे का हमारा ये सपोर्ट जो था 1023 रुपये के आसपास का हमें ट्रेड करता दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक देखिए 25 तो और ये स्टॉक देखिए दोस्तों 25 तारीख से इसी रेंज के बीच में घूम रहा है। तो अगर ये स्टॉक 1151 रुपये के ऊपर क्लोज करता है आज के दिन तो ही आप इसको एंट्री करना, वरना मत करना, क्योंकि ये स्टॉक फिर से नीचे गिरकर 1023 रुपये के आसपास आ सकता है। और दोस्तों ये वीडियो मैं 3:30 बजे के पहले पहले डाल दूंगा अपने YouTube चैनल पे, ट्राई करूंगा तो आप लोग इसमें एंट्री करना। अभी मैंने इसका पोस्टर बना के खाली टेलीग्राम में डाल दिया है
कि आज इस पे वीडियो आएगी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा 3:30 बजे से पहले मैं इसके ऊपर वीडियो डाल दूं। तो यहाँ पर देखिए, अगर 1151 रुपये के ऊपर क्लोज करता है तो आप एंट्री लेना, अगर 1100 रुपये के नीचे यहाँ पर ट्रेड करने लगे या क्लोजिंग दे तो आप इसमें मत ट्रेड लेना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेलर्स बैठे होंगे जो कि इसको 1151 के नीचे इसको सेल करने के लिए बैठे होंगे, ताकि मैं हम लोग इसको 1100 लेकर आ सकें या 1023 रुपये का प्राइस लेकर आ सकें। अब हम इसमें थोड़ा सा एक और कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन लगाकर दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर 30 मिनट की कैंडल पे अप ट्रेंड बना रहा है। ये वाला प्राइस पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं आप लोग कि ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्रॉस लाइन है, इसके ऊपर ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका हायर लो का पैटर्न बनता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ। और हमारा टारगेट क्या होगा उसके लिए भी मैं आप लोग को बता दूँ कि नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और मैं टारगेट यहाँ पर आप लोगों को सेट करूँगा। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि 1240-45 रुपये के आसपास ये जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक गैप डाउन है तो ये स्टॉक 1260 रुपये का लेवल हमें अगले वीक में दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा दिन क्लोज है। अगर कोरोना वायरस का कोई भी बैड न्यूज अभी नहीं आती है, जैसी चल रही है वैसे ही चलता रहा, तो ये जल्दी ही हमें 1260 रुपये का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग ट्राई करिए कि 1151 के ऊपर क्लोज करें तो ही आप इसमें एंट्री लेना, नहीं तो मत लेना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज हमारी क्या चल रही है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोल लिया है और रिलायंस का स्टॉक भी खोल लिया। स्टॉक अभी चला है 1157.55 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और 80 रुपये ऊपर आज ये स्टॉक है, 80 रुपये ग्रीन में है, 7% की बढ़त के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वो इसका प्रीवियस जो क्लोज हुआ था 1077 रुपये का, आज ओपनिंग हुई थी 1102 रुपये पर। हाई बनाया था इसने अपने 1160 रुपये का और लो बनाया था 1100 रुपये का, मतलब जहाँ पर ये ओपन हुआ वहाँ से मात्र 2 रुपये नीचे आया और उसके बाद से सीधा ये 80 रुपये ऊपर बढ़ गया, 60 रुपये ऊपर बढ़ गया। पर हम लोग अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर पोजीशन चल रही है जो कि 50%, 51%, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन हमें देखने को मिल रही है, तो डिलीवरी भी अच्छी है। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर बाई क्वांटिटी भी देखते हैं तो देखिए 6,65,000 हमारी बाई क्वांटिटी यहाँ पर लगी हुई है और सेल क्वांटिटी हमारी लगी है मात्र 3,73,000। तो यहाँ पर सेल क्वांटिटी कम है और बाई क्वांटिटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा है, तो मतलब काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से हमें 80-90 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, जो कि चार्ट बता रहा है। और डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर 50% के आसपास चल रही है। तो आप लोग देखिए, अगर 1151 रुपये के ऊपर क्लोज करता है आप लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं 1240 और 1260 रुपये के टारगेट के लिए। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।